ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। हेलो एवरीवन, आज अपन करेंगे 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। सो अपने को दिता गया, अपने को दिता गया, अपने को 5% सॉल्यूशन दिता गया कहदा केन शुगर का, किंदा सॉल्यूशन है इन वाटर है ना, केन शुगर इन वाटर का अपने को सॉल्यूशन है। जिंदा अपने को फ्रीजिंग पॉइंट किंदा गिवन है 271 केल्विन गिवन है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो कुछ क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। केंदे कैलकुलेट करो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किंदा 5% ग्लूकोज इन वाटर का, केंदे इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। तो अपने को फ्रीजिंग पॉइंट दिता गया प्योर वाटर का किन्ना, दैट इज 273.15 केल्विन। तो सो इत अपने को मास परसेंट गिवन है 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, राइट। मतलब 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सिमिलरली अपने को 5% ग्लूकोज इन वाटर गिवन है, उनका मतलब क्या होगा 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, इनटू 5% ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। सब तो पहले आप देखेंगे केन शुगर, अपने को दो तरह दिए गए सॉल्यूशन, एक केन शुगर इन वाटर, एक ग्लूकोज इन वाटर, राइट। तो अपन देखेंगे आप केन शुगर का अपने को मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सो अपने को जो केन शुगर होंगे ना, उनका अपने को फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो केन शुगर का अपने को फॉर्मूला होता है, दैट इज C12H22O11, ओके। तो जो अपने को ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज अपने को फॉर्मूला की होता है, दैट इज C6H12O6। ग्लूकोज का की है अपने को, दिस इज C6H12O6। सो अपने को देखो हुन इनका केन शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन अपने को एटॉमिक मास कितना होता है 12। सो 12 × 12 कर देंगे इतने आप, फिर 12 कार्बन थे अपने को, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन टोटल 22, 1 × 22, फाइन। ऑक्सीजन का किन्ना होता है 16 × 11, ठीक है। सो इट बिकम्स किन्ना किन्दे कोल हो जाएगा अपने कोले, दिस इज इक्वल टू 342 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अपने कोल किन्ना मॉलिक्यूलर मास आंदा, दैट इज 342 ग्राम पर मोल, फाइन। सो हुन अगे देखो जेहड़ा अगे अपने कोल क्या ग्लूकोज है, कार्बन का 12 होंदा एटॉमिक मास 12 × 6, ओके। फिर उस बाद हाइड्रोजन किन्ने ने 12 ने, फिर सो 12 × 1, ऑक्सीजन किन्ना आ अपने को, सो 16 होंगे 16 × 6, फाइन। ये अपने को कितना आ गया, ये अपने को आ गया, दिस इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। इनके किन को आ गया मोलर मास अपने को 180 ग्राम पर मोल, ओके। सो सब तो पहले हम देखो अपने को गिवन की है, अपने को गिवन है 5% ऑफ केन शुगर, ठीक है। द मतलब 5% ऑफ केन शुगर इन वाटर, ठीक है। इट मीन्स अपने को केन शुगर तो अपने को फिर मास कितना हो गया, दैट इज 5 ग्राम हो गया। अगर अपने को 5% की गिवन है, अपने को केन शुगर गिवन है, ठीक है। तो अपने को 5% केन शुगर का मतलब क्यों है, 5 ग्राम ऑफ केन शुगर आई होगा अपने को मतलब, राइट। 5 ग्राम ऑफ केन शुगर, इतने मैं लिखूंगी फिर 5 ग्राम ऑफ की होगा अपने को फिर केन शुगर, ठीक है। अगर अपने को 5% सॉल्यूशन गिवन है केन शुगर, दैट मींस अपने को फिर लेफ्ट टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया, तो अपने को वाटर कितना होगा, केन शुगर सॉल्यूशन फिर 95 ग्राम हो गया वाटर, इतना ही होगा अपने को वाटर, दैट इज 95 ग्राम ऑफ वाटर अपने को। सो इसे अपने को क्या 95 ग्राम ऑफ की हो गया अपने को इतने वाटर हो गया, फाइन। सो अपने को देखो हम ग्लूकोज अपने को कितना गिवन है, 5% ही ग्लूकोज सॉल्यूशन है। सो 5% अपने को ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इट मींस अपने को ले फिर अपने को की हो गया ग्लूकोज अपने को कितना वेट होगा, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है ना, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फिर अंदर वाटर कितना हो गया, फिर टोटल 5% अपने को ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इट मींस अपने को 5% कितना गिवन अपने को 5 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। फिर कितने परसेंट टोटल अपने को 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, फिर अंदर जो वाटर कितना होगा अपने को फिर 95 ग्राम की होगा, फिर वाटर होगा 95 ग्राम ऑफ
वाटर, ठीक है। हुन अगे देखो, सब तो पहला हुन अपने को क्या कड्डन नु क्या के गया, फ्रीजिंग पॉइंट कड्डन नु क्या गया, ठीक है। हुन अपने को एक फॉर्मूला होता है, की फॉर्मूला होता है अपने को, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टी। अपने को फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ, एक ही अपने को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, दैट इज क्राइस्कोपिक कॉन्स्टेंट के एफ, ठीक है, के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। हुन अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला खोलना तो मेरे को किन्दे कोल हुंदा है, अपने कोल की है के एफ है, ठीक है, कैपिटल के एफ, ठीक है। हुन अपने कोल इंटू हुंदा मोलैलिटी, मोलैलिटी के अंदर अपने कोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। अगर ग्राम च करना फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 नाल, सो अपने कोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की होगा, अपने कोले मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज डब्ल्यू डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपने बोल क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर मैं ग्राम से लेके मैं क्या करूंगी 1000 ना की कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी अपने को लेके वेट ऑफ की है ये सॉल्वेंट है, ओके। तो देखो हम अपने को दिखता की वे, हम सब तो पहला अपने को क्या गया यार, अपने को फ्रीजिंग पॉइंट दिखता गया केन शुगर का, कितना दिखता गया दिस इज इक्वल टू 271 केल्विन, अपने को लेना दिखता गया 271 केल्विन। तो अपने को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर भी दिखता गया, दैट इज ओके ना दिया गया, टी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना दिया गया 273.15 केल्विन, अपने को लेना की बने, ठीक है। हम देखो अपने को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सो देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखो हम अपने को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर दिया गया दैट इज 273.15 केल्विन, ठीक है। हुन आपां हुन पहला कढ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, आपां कहाँ कढ रहे हैं, इत्थे आपां इत्थे आपां के एफ दी वैल्यू कढ रहे हैं, ठीक है। केड़ा फॉर्मूला यूज करांगे, केड़ी वैल्यू यूज करांगे आपां इत्थे केन शुगर दी, ठीक है। सो पहला मतलब आपां पहला केन शुगर लई कढ रहे हैं, के एफ वैल्यू फिर आपां अगे कढांगे फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू का दी ग्लूकोज, ठीक है। तो देखो अपने कोल किन्ना है 271 केल्विन, ओके। हुन देखो अपने कोल के एफ आपां कढना है, ओके। अपने कोल देखो फिर मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है अपने को, दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम, ठीक है। तो अपने को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है अपने को, दैट इज अपने जो अपने कट गया थे दैट इज 342 ग्राम, राइट, 342 ग्राम्स। हुन रह की गया आगे अपने को और की रह गया अपने को इनटू 1000 है ये डिवाइडेड बाय किया ओवरऑल डिवाइडेड बाय किया, अपने को वेट ऑफ सॉल्वेंट हो कितना अपने को 95 आई है। सो हुन मैं की करूंगी के एफ नू इधर ले जाऊंगी, मतलब सारी वैल्यू नू इधर ले जाऊंगी, के एफ नू एक साइड रख लूंगी, ठीक है। तो अपने को की आ जाऊंगा देखो आप सॉल्व करके, अपने को कितना आया 2.15, 2.15 इज इक्वल टू अपने को इधर की है अपने को के एफ है, क्राइस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इधर अपने को की आ गया दैट इज इनटू 0.5, हम देखो अपने को जो क्राइस्कोपिक कांस्टेंट है के एफ की वैल्यू के देखो लाई है दैट इज इक्वल टू कितने को आ गई अपने को, दिस इज इक्वल टू 13.9707 अपने को आ गई के एफ दी वैल्यू, फाइन। सो अपने को आगे देखो हम अपना की करेंगे, अपने को हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज कटन ने क्या गया, ठीक है। हम अपना की करेंगे के एफ दी वैल्यू में यूज करेंगे कैलकुलेट कर ली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो देखो अपने को हम डेल्टा टी अपने को कद आ गया फॉर ग्लूकोज, ठीक है। सब तो पहले ऊपर पर केन शुगर लिए यूज किया सीगा, सो हम देखो अपने को के एफ दी वैल्यू तो आई हुई है दैट इज 13.9707, ठीक है। सो देखो अगे अपने को क्या आ गया मल्टीप्लाई, सो अपने को ग्लूकोज का कितना ग्राम गिवन है 5 ग्राम गिवन है, अपन मोलर मास ऊपर काट चुके हैं ग्लूकोज का दैट इज 180 मल्टीप्लाई बाय 1000 ना कितना सीगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय की करेंगे तो देखो अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है अपने को 95 ही गिवन है दैट इज 95, है ना। सो देखो अपने को कहते कुल आ गया दैट इज डेल्टा टी ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज अपने को कितना आया दिस इज इक्वल टू 13.9707, ठीक है। 13.9707 अपने को किन्दे को आ गया मल्टीप्लाई अपने को की है दैट इज 0.29, है ना। सो अपने को इक्वल टू किन्दे आ गया ये दिस इज इक्वल टू हुन अपने को ये जरा मल्टीप्लाई करके आया हुन की करेंगे अपने को ओवरऑल ओवरऑल आएगा डेल्टा टी ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सो देखो ये की बनूगा, सो इत अपने को डेल्टा किन्दे को आ गया है दैट इज इक्वल टू 4.085, किन्दे को है 4.085, ठीक है। मगर अप्रोक्सीमेटली लिखांगे किन्ना आ गया अपने को दैट इज 4.09, ठीक है। यूनिट्स अपने को की आ गया पर केल्विन यूज कर रहे हैं
कैल्विन आगे, ठीक है। उन अपने को क्या कि गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, पर अपने को ए आर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो अपने को डेल्टा टी ये कितने किलो हुआ, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, दैट इज 3 डिग्री माइनस अपने को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ की अपने को सॉल्यूशन है, ठीक है। हम देखो अपने को प्योर द गिवन है, तो अपन टी टी एस काट लेंगे, गिवन कर देंगे, देखो इनू टी एस उधर ले जाएंगे, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अपने को ग्लूकोज द सॉल्यूशन जो है ना। तो देखो इतने की आजुगा टी नॉट माइनस डेल्टा टी जी यही आऊंगा। तो देखो अपने को टी नॉट अपने को कितना गिवन है, दैट इज 273, यही गिवन सी 273.15 गिवन सी अपने को जो वाटर था, ठीक है। सो अपने को आ कितना आया, दैट इज 4.09 केल्विन, 4.09 केल्विन ए आया अपने को लिए। सो देखो ये कितने को आ गया अपने को लिए, दिस इज इक्वल टू 269.06 केल्विन। सो अपने को कितना आ गया 269.06 केल्विन। अपने को क्वेश्चन की क्या गया सीखा, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर है। अपने को देखो कितना आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर कितना आ गया अपने को, दिस इज इक्वल टू 269.06 केल्विन। ये किया अपने को, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन वॉटर, ओके।